साइकिल पर सवार हुए दारा सिंह चौहान। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। योगी के साथी ने खोली योगी की पोल। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। यूपी चुनाव में बीजेपी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के मंत्री दारा सिंह चौहान भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। आज लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान और बीजेपी विधायक आर के वर्मा ने सपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान योगी पर फायर हो गए। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। हमेशा लालच देकर के जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के जिस तरीके से टीचर भर्ती ने आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। दारा सिंह चौहान ने यह भी कहा कि योगी राज में सिर्फ दलित पिछड़े ही नहीं बल्कि ब्राह्मण भी परेशान हैं। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश की जीत का भी ऐलान किया। केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो देश की सियासत को प्रदेश में बदलने, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने को रोक पाएगा। अखिलेश ने भी दारा सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि दारा सिंह को साथ लाना है। मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लायन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रही। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लाइन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए, डैमेज कंट्रोल में चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बीजेपी के 3 मंत्री और 7 विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अखिलेश ये साफ कर चुके हैं कि अब वो बीजेपी के और नेताओं को सपा में शामिल नहीं करेंगे,
लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि सपा का कुनबा मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।